दोस्तों, आप तो भारत के बहुत सारे सेलिब्रिटी को जानते हैं जो काफी मशहूर है। इनमें से कोई फिल्म सेलिब्रिटी है तो कोई क्रिकेट सेलिब्रिटी है। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको 5 भारतीय सेलिब्रिटीज से मिलाने जा रहे हैं जिनका करियर लाइव टीवी के दौरान खत्म हो गया। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस घंटे का बटन दबा दें ताकि हमारी सभी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नंबर 1, शक्ति कपूर। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शक्ति कपूर को तो आप जानते हैं, लेकिन इनको भी लेकर एक विवाद खड़ा हो गया था जब सन 2005 में उनको एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कास्टिंग काउच का दोषी पाया गया था। Again, Jules. She had to just do it once. What? Fuck. इसके बाद कई डायरेक्टर ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद शक्ति कपूर को कुछ गिनी चुनी डायरेक्टर ही उनको काम देते थे। कहा जाता है इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद शक्ति कपूर का करियर खत्म हो गया था। नंबर 2, विवेक ओबराय। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता विवेक को तो आप जानते ही हैं। फिल्म साथिया और कंपनी के बाद उनको एक अच्छे एक्टर के रूप में माना जाता था, लेकिन जब विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या के बीच अफेयर का पार्ट पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में फैल गया, तब सलमान खान उनको फोन करके धमकियां देने लगे, जिसके बाद विवेक लाइव टीवी पर सलमान खान को चैलेंज करते हुए दिखे। 5-4.5 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन, उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली और मैंने फ़ोन उठाया, मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे, और ही स्टार्टेड आउट सेइंग दैट हु आर यू, तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बात है, क्या किस रीज़न की वजह से ये सब हो रहा है, तूने अपने आप को समझ क्या रखा है। बड़ी बदतमीजी से, सबसे पहले ये कहना चाहूँ कि उनकी ज़बान जो है इतनी बदतमीज़ है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। इस झड़प बाद विवेक ओबराय एक एक्टर के रूप में बॉलीवुड फिल्मों में नहीं दिखे, लेकिन वो लीड रोल में दिखे। कहा जाता है कि इस घटना के बाद विवेक ओबराय का करियर पूरी तरह से खत्म हो गया था। नंबर 3, मंदाकिनी। फिल्म राम तेरी गंगा मैली में एक्टिंग करने के बाद मंदाकिनी पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में मशहूर हो गई थी। जब मंदाकिनी का नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री में छा गया था, तब अचानक 1994 को दुबई में एक लाइव क्रिकेट मैच के दौरान उनको ऐसे हालत में देखा गया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। मंदाकिनी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ बैठकर क्रिकेट मैच देख रही थी, जिसकी वजह से उनका बॉलीवुड इंडस्ट्री में करियर खत्म हो गया और किसी भी फिल्मों में उनको नहीं देखा गया। नंबर 4, श्रीशांत। भारतीय क्रिकेटर श्रीशांत को एक फास्ट बॉलर के रूप में माना जाता है। वे अपने बॉलिंग से पूरे भारतीय दर्शकों को अपना फैन बना चुके थे, लेकिन सन 2013 में उनको स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाया गया था। श्रीशांत पुलिस के सामने कन्विंस कर चुके हैं कि वे लाइव टीवी पर बुकी को सिग्नल देने के लिए टॉवल का इस्तेमाल करते थे, जिसके बाद BCCI ने उनको हमेशा हमेशा के लिए खेल से निकाल दिया। नंबर 5, विनोद कांबली। एक टाइम था जब मशहूर क्रिकेटर विनोद कांबली का नाम सचिन तेंदुलकर के साथ लिया जाता था, लेकिन 1996 में उनको दोषी पाया गया इंडिया और श्रीलंका के बीच मैच फिक्सिंग का, जिसके बाद उनका करियर खत्म हो गया। दोस्तों, सफलता एक न एक दिन सबको मिलती है, लेकिन सफलता को हमेशा के लिए बनाए रखना सबके बस की बात नहीं होती। इन भारतीय सेलेब ने भी सफलता में अंधे होकर ऐसी गलतियां कर दी जिन्हें ना तो भूला जा सकता है ना ही माफ किया जा सकता है। इनकी एक गलती ने इनका करियर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। दोस्तों, आपको इन 5 सेलेब में से किसकी गलती सबसे बड़ी गलती लगती है, उस सेलेब का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही ऐसे रहस्यमय और देश दुनिया की खबर सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।